हेलो फ्रेंड्स, मैं हुशीला कन्ना के और आप देख रहे हैं SRK ब्लॉग। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर ऑक्सीजन का महत्व समझ में आया होगा तो एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा। दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए तो आप लगा ही सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे एरिया की सैर कराकर, छोटी सी सैर कराने जा रही हूँ जहाँ तक नज़र जाती है आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। और हर घर में एक, दो, तीन ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं, फल के हो, फूल के हो, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हो। मैं आपको एक छोटी सी सैर कराऊंगी इस एरिया की, तो चलिए अपन सैर करते हैं। दोस्तों, ये नागपुर का एक ऐसा एरिया है जहाँ हर घर के आंगन में 3-4 बड़े बड़े पेड़ हैं। जहाँ तक नज़र जाती है पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कोरोना नामक महामारी चल रही है, हर कोई फ्रेश हवा के लिए तरस रहा है, पर जिससे हमें फ्री का ऑक्सीजन मिलता है हम उसे ही अनदेखा कर रहे हैं। जिसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पेड़ पौधों की, जो हमें ऑक्सीजन के साथ साथ फल फूल, फ्रेश हवा और छाँव देते हैं, हम उसे ही अनदेखा कर रहे हैं। दोस्तों, बारिश का सीजन आने वाला है, इस मौसम में सब लोग अपने घरों के आंगन में पेड़ पौधे लगाइए, जिससे मौसम और पर्यावरण में होने वाले बदलाव के लिए हम खुद को तैयार कर सकें। जो फल आपको पसंद हो, जो फूल आपको पसंद हो, एटलीस्ट वो पौधे, वो पेड़ तो आप लगा ही सकते हैं। इनसे आपको फल फूल, शुद्ध हवा और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा, और साथ ही में धूप काले में आपकी महंगी महंगी गाड़ियों को रखने के लिए छाँव ज़रूर मिलेंगी, जिस छाव को हम धूपकाले में तरसते हैं। तो दोस्तों, राहुल कन्ना के जी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, पेड़ लगाना ना भूलिएगा, और आपको विश्व पर्यावरण दिवस की एक बार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक ले, जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।